कमलदीप कौर पंजाब कांग्रेस के मुख्य मंत्री उम्मीदवार ऐलान तो पहले चरणजीत चन्नी ने अपने भाषण च जमके ताड़ना भगवंत मान की की, की है उन्हें भगवंत मान को शराबी दसिया ते कहा कि भगवंत मान नाल बैठते सन फतेहगढ़ साहब तो एमपी वो खालसा सीगे यानी उन्होंने अमृत छकया होया सी ते उन्हें भगवंत मान खिलाफ एक बड़ा नोटिस स्पीकर नु दिता उन्हें लिखती नोटिस च दिता कि भगवंत मान ते आसपास यानी भगवंत मान तो शराब की हवाड़ बहुत आती है ते इसे लड़ी च उन्हें भगवंत मान की ताड़ना की ते कहा स्टेज तो सरकार नहीं चलती स्टेज चलाना चाहिए है यानी स्टेज तो यानी स्टेज तो सी बहुत अच्छे तरीके नाल कर लेने हो भगवंत मान ने क्या जबकि स्टेज करना मतलब स्टेज दे उत्ते जब चढ़ते है ते कलाकार शराब पी के चढ़ते ते उसी तरह उन्हें तंज कसिया उसी वांग भगवंत मान शराब पी के हर जगह जाते हैं इसे लड़ी च उन्हें आम आदमी पार्टी के भी टिकटा खिलाफ यानी टिकटा वेचन खिलाफ यानी माफिया राज बधाने के खिलाफ उन्होंने दसिया ते कहा आम आदमी पार्टी माफिया राज बधा रही है जिथे उन्हें जगमोहन कंग नूं टिकट दिती है जो सब तो वड्डा माफिया है जिसनूं कांग्रेस ने टिकट नहीं दिती जेकर वो आम आदमी पार्टी चल गया ते दुध दा धुला हो गया एक चरणजीत पर चन्नी वालों बड़े इल्जाम लगाए गए ने देखो उस मौके की कुछ किया केड़ी आम आदमी दी पार्टी है केड़ा बदलाव लेना चाहते है क्या बदलाव लेना चाहते है ये पंजाब नु लुटन आए है ये देख दे लोट किस तरह लग रहा है आ साडे खरड है टिकट नहीं दिती दूसरे दिन कंग दे घर चले गए कंग दुनिया भर का माफिया है ते छड़ी फेरी उपर नू जाके केजरीवाल ने दूधा तोता हो गया आम आदमी का लीडर बन गया केड़ा आम आदमी आ बैठे है थोड़े मूहरे आ खड़े है आ बैठे है यारो कच्चे कोठे जमया होया पंजाब दे नाली चो उठा होया बंदा आम आदमी नहीं है ते आ केजरीवाल आम आदमी है रहना बड़े होटल दे विच इतने आके थले उतर के थ्री व्हीलर में बैठ जाना लो जी तुर पे आम आदमी यार जेड़ा बड़े कमरे के उपर होटल के रहा सी जिदा 50,000 किराया है वो कितने तक गया बड़िया बड़िया कोठिया दिल्ली च रह रहे सब तो ज्यादा हिंदुस्तान च केजरीवाल सीएम की तनखा है आ इतने एडे बैनर लगे हुए पूरे पंजाब दे विच एक मौका केजरीवाल नू 500 करोड़ रुपए की एडवरटाइजमेंट हुई है कितने तो आया आम आदमी को भगवंत मान को इन्ने पैसे है दूसरों को इन्ने पैसे है दिल्ली तो लुट के ले आ रहे हैं कल पंजाब चो लुट के ले जाएंगे इन्हों किस तरह चुन लिए क्या बड़ा व्याह है इन्होंने नाल साडा ये साढ़े लगते क्या है असी पंजाब के लोग पंजाब साडा पंजाब वास्ते लड़िए मरीए ते आके केजरीवाल राघव चड्डा जेड़ा कि उहदा पता नहीं कहिंदे रिश्तेदार बन जा रहा है वो इत्थे आके राज करनगे लोकां दे पैसे दे के टिकटां लैणगे आम आदमी दा रौला पाउणगे फिर कहिंदे जी बदलाव लेके आओ यार बदलाव तो आ गया 3 महीने तुसीं सरकार देखी है 3 महीने जे काम होया तां बदलाव आया ये किहड़ा बदलाव लेके आणगे इसलिए मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा कि अज पंजाब दा आने वाला नक्शा किस तरह का होएगा वह तय हो रहा है अज जरूरत है सोच विचारन दी लोकां नू सुगड़ सियाने लोकां नू कट्ठे होने की लोड़ है ये भगवंत मान तो प्रोक्सी है गूठा लाउणा है उपर जो मर्जी लिख लवे पता ही नहीं हुंदा क्योंकि कैप्टन की दुकान 4 बजे बंद हुंदी सी अभी तो पार्टी शुरू हुई है इहदी 6 बजे बंद हो जाती है किड़े बहुता फर्क है रात नूं पता ही नहीं लगता किथे है एक दिन गड्डी उलट गई सारे शराबी निकले विच ते यार स्टेज चलाउणे विच यार स्टेट चलाउण च बड़ा फर्क है बहुत फर्क हुंदा है कई गाउणे वाले हुंदे है वो पगुआ लाए बिना स्टेज पर चढ़े नहीं सकते और कई इहो जिहे बाई हुंदे जिहड़े अधिया लाए बिना नहीं चढ़ सकते ये किस तरह चलाएंगे पंजाब नूं क्या बनेगा पंजाब दा इन्हां दे हत्थां च केड़ा एक भी लीडर संजीदा इन्हां दे विच आम आदमी च
क्या सोच रहे है, किस तरह अगे लेके जाएंगे पंजाब नू। सो मैं सरकार एक होर थोड़े लुधियाने दे ही है, क्या सी एम पी इतने फतेहगढ़ साहब तो जिते सी खालसा जी, खालसा जी की भगवंत मान के नाल सीट लग गई पार्लीमेंट दे विच। खालसा हुण अमरतारी बंदा है, अफसर रहा, शरीफ रहा, उन्हें स्पीकर नूं लिख के दिता पार्लीमेंट दे विच, रिकॉर्ड है। कहिंदा जी जिहड़ा मेरे नाल बंदा बैठदा है इहदे शराब की हवा आड़ आ रही हुंदी है, सवेरे मेरी सीट बदलो। यार इहो जिहे बंदे तुसीं हुण सीएम चलाउणे है, इह लोग चलाणगे पंजाब नूं। आ सिद्धू है, कदे शराब नहीं पींदा, कदे कोई नशा नहीं करता। मैं जिंदगी दे विच कदे शराब नहीं पीती, कदे कोई नशा नहीं कीता, कदे कोई ऐब नहीं कीता। तां संजीदा बंदे दा लोड़ है। आ देखो किन्ने संजीदा बंदे बैठे, इन्हां चों चुन लो कोई, आम आदमी चुनना जे, ये आम आदमी है। इस करके सत्कारयोग वीरो, अपने पास लीडरशिप है, अपने पास मॉडल है। आ सिद्धू कोल मॉडल है, आ एक मॉडल आपने तय करता कि लोगों का पैसा लोगों नूं जावे, बादलों के घर क्यों जावे। इसलिए मैं थोनों सारिया बेनती करना चाहता कि अज पंजाब नवी दिशा लेके जाना है, नवी सोच वाल लेके जाना है।